हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, किचन से संबंधित वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। लास्ट में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था बच्चों, जिसका नाम था कोडिंग एंड डिकोडिंग, करा था ठीक। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं किसी भी वर्ड के लिए कोडिंग के बारे में, तो किसी वर्ड के लिए जो कोडिंग है वो कैसे भी कराई जा सकती है, लेटर का यूज़ करके, नंबर का यूज़ करके, सिंबल्स का यूज़ करके, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इन सभी का एक साथ यूज़ करते हुए किसी वर्ड के लिए क्या करा दी जाए, कोडिंग करा दी जाए। डन। लास्ट क्लास में हम टाइप नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था कोडिंग विद लेटर्स। और जब हमने बात करी थी कोडिंग विद लेटर्स के बारे में, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कोडिंग विद लेटर्स के अंदर कि किस तरीके से हम लेटर्स की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए और अपोजिट लेटर को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। बताया था सारी बातें, क्लियर। तो टाइप नंबर 1 जो थी बच्चों वो मैंने कंप्लीट कराई थी। आज हम करेंगे आगे की तरफ टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 के बारे में बात करते हुए क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो भाई एक बार देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 2 से। तो बच्चों मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, इफ बिल्डर कोडेड एज JVCK SFE, ठीक है। अगर बिल्डर को कहा जाए JVCK SFE, तो क्वेश्चन करता है बच्चों मैनेजर के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। डन। वैसे बच्चों क्वेश्चन बोलते हैं कि अगर क्यूरेटिव को कहा जाए BSV DDUHS, तो बच्चों पूछा गया एलिफेंट के लिए क्या कोड होगा। क्वेश्चन बोला गया बच्चों कि अगर वर्बल के लिए कोड दिया जाए तो मेंटर के लिए क्या कोड होगा। वैसे बच्चों बोला गया कि अगर सब्स्टिट्यूशन के लिए कोड दिया जाए ITS BUS LOITUT, तो पूछा गया बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कोड होगा। वैसे बच्चों क्वेश्चन बोला गया अगर स्टेटमेंट को बोल दिया जाए TS TEA EM TN, तो बच्चों पूछता है टेलीफोन के लिए क्या कोड होगा। क्लियर बच्चों? ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों। जब हम बात करते हैं ना इस टाइप के बारे में, इसे हम बोलते हैं कोडिंग विद क्रॉस लेटर पैटर्न। क्या बोल देंगे? कोडिंग विद क्रॉस लेटर पैटर्न, ठीक है। कोडिंग विद क्रॉस लेटर पैटर्न, इसके अंदर होगा क्या बच्चों कि जो हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ पैटर्न्स होंगे, और उन पैटर्न्स को हमें दिए गए वर्ड के टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग यूज करना होगा। किसके अकॉर्डिंग यूज करना होगा? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग। बात क्लियर है बच्चे? ठीक। जैसे अगर मैं बात करूँ बिल्डर, बिल्डर में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चों? कुल कितने लेटर दिए गए हैं? 7। तो 7 के लिए जो पैटर्न बनता है बच्चों वो बन जाता है 3 1 3। इसको यूज कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, क्लियर। अगर मान लो 8 लेटर का कोई वर्ड दिया जाए तो 8 लेटर का जो पैटर्न बनेगा बच्चों वो बन जाएगा 4 4। और अगर मान लो बच्चों 6 लेटर का कोई दिया जाए तो उसका पैटर्न बन जाता है बच्चों 3 3। डन है? क्लियर। एक बार देखते हैं कैसे। जैसे बिल्डर है, बिल्डर में नंबर ऑफ लेटर कितने बच्चों? 7। अगर मैं बात करूं बिल्डर को कुछ इस तरीके से लिखने के बारे में,
तो बिल्डर का कोड दिया है JVCKSFE, ठीक। बिल्डर में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 7, और 7 के लिए पैटर्न था 313। तो 313 के लिए मैंने क्या करा, ऊपर के 3 अलग कर दिए, नीचे के 3 अलग कर दिए, और बीच में ए रह गया। बना बच्चों, ऊपर के 3 अलग कर दिए, नीचे के 3 अलग कर दिए, तो क्या बन गया 313। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बी से अगला क्या हो गया बच्चों, आई से अगला क्या हो गया बच्चों, और यू से अगला क्या हो गया बच्चों, बात क्लियर। वैसे ही डी से अगला क्या हो गया बच्चों, आर से अगला क्या हो गया बच्चों, ई से अगला क्या हो गया बच्चों, और बीच में क्या हो गया बच्चों, -1। मतलब ऊपर वालों में क्रॉसिंग कराई गई है +1 के साथ, और नीचे वालों में क्रॉसिंग कराई गई है बच्चों +1 के साथ, ठीक, और बीच में क्या करा दिया गया है -1। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि हर क्वेश्चन में ऊपर प्लस होगा, नीचे प्लस होगा, बीच में माइनस होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ऊपर माइनस नीचे प्लस, या ऊपर प्लस नीचे माइनस, हो सकता है ऊपर +2 नीचे -2, हो सकता है ऊपर +3 नीचे +3, हो सकता है ऊपर -3 नीचे +3, बात क्लियर। लेकिन जो 7 लेटर्स के लिए पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, 313। कोई दिक्कत है भाई, डन। अब मुझे पता करना है मैनेजर का, मैनेजर में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चों, 7। तो मैं क्या करूंगा, अगेन इसको 313 के पैटर्न में डिवाइड करूंगा। कैसे, देख लीजिए, 313, ठीक, इन 3 को पकड़ा, इन 3 को पकड़ा, एम से अगला, एन से अगला, ए से अगला, और बीच में क्या होगा, -1, ठीक। तो बीच में -1 अगर हम करेंगे तो बीच में क्या कर दिया जाएगा बच्चों, -1। वैसे अगर मैं बात करूं जी से अगला, आर से अगला, ई से अगला, तो ये क्या बन गया बच्चों, ओ बी एन जेड एस एफ एच, जो कि किसके लिए आया, मैनेजर के लिए। कोई डाउट, बढ़े आगे, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बच्चों, क्यूरेटिव में नंबर ऑफ लेटर दिए कितने आपके, 8, और 8 का जो पैटर्न बन रहा था बच्चों वो क्या था आपका, 4-4। 8 का जो पैटर्न था बच्चों वो क्या था, 4-4 था, ठीक। अगर मैं इसके बारे में बात करूं 8 लेटर्स के वर्ड के बारे में, तो क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो, ये है, बात क्लियर है बच्चों, ठीक। तो मुझे क्या करना है, ये स्टार्टिंग के 4 लेने हैं और ये लास्ट के 4 लेने हैं, ठीक। ध्यान से अगर आप देखेंगे, सी से अगला डी, ए से अगला बी, यू से अगला बी, आर से अगला एस, टी से पहले एस, ई से पहले डी, आई से पहले एच, वी से पहले यू, ऊपर वालों में +1 और नीचे वालों में -1, क्लियर। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हर क्वेश्चन में एक सेम पैटर्न चलेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है ऊपर माइनस होता, नीचे प्लस होता, या ऊपर भी माइनस होता, नीचे भी माइनस होता, बात क्लियर है बच्चों। तो वैसे अगर मैं बात करूं एलिफेंट के बारे में, तो एलिफेंट में भी नंबर ऑफ लेटर कितने दिए गए हैं, 8। तो 8 का पैटर्न क्या बना था, 4-4। तो यहाँ अगर मैं 4-4 का पैटर्न लगाऊंगा, तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ई से अगला हो गया एफ, पी से अगला हो गया क्यू, एल से अगला हो गया एम, और ई से अगला हो गया बच्चों एफ, और नीचे की तरफ क्या है, -1। तो एच से पहले क्या आता है, जी, टी से पहले आता है एस, ए से पहले आता है जेड, और एन से पहले आता है बच्चों एम, तो जो कि किसके लिए बन गया आपका, एलिफेंट के लिए। कोई डाउट है, बात क्लियर, बढ़ जाऊं आगे। चलो बच्चों, अब दिया है वर्बल, वर्बल के बारे में अगर हम बात करें, तो वर्बल के लिए ये कोड दिया है, और वर्बल में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं बच्चों, 6, और 6 का जो पैटर्न था वो क्या था आपका, 3-3। तो अगर मैं पैटर्न लगाऊंगा इसके ऊपर 3-3 का, तो वो एक बार हम देख सकते हैं कि वर्बल के ऊपर क्या काम हुआ है। ये दिया है IVEOZY, चलो बच्चों। तो मैंने क्या करा, स्टार्टिंग के 3 ले लिए और लास्ट के 3 ले लिए। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो V का ऑपोजिट क्या हो गया, R का ऑपोजिट क्या हो गया, E का ऑपोजिट क्या हो गया, B का ऑपोजिट Y, लाओ A to Z, बात क्लियर। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ऑपोजिट लेटर के बारे में, पता है आपको ऑपोजिट लेटर के बारे में। तो वैसे अगर मैं बात करूं मेंटर के बारे में, तो मेंटर में हम क्या करेंगे, M का ऑपोजिट हो गया N, मैन हो गया, N का ऑपोजिट हो गया M, E का ऑपोजिट हो गया V, और T का ऑपोजिट हो गया आपका G, R का ऑपोजिट हो गया I,
और ओ का ऑपोजिट हो गया बच्चों एल। कोई डाउट है आपको? सब्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 12। सब्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 12। अब एक बड़ी बेसिक सी बात समझे कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा वर्ड होगा, बड़ा वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो ज्यादा दिए गए, तो बच्चों उसमें एक बड़ी बेसिक सी बात आपको याद रखनी है कि उसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो चांसेस होंगे वो काफी कम होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन काफी कम बार ऐसा होगा कि उसके अंदर क्या कराया गया हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब जमा या घटा करा गया। ठीक, वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करा गया होगा बच्चों, जो लेटर्स दिए गए हैं उनकी पोजीशंस को आपस में बदल दिया जाएगा, इंटरचेंज कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 12, और 12 को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो बन जाते हैं स्टार्टिंग के 6 लेटर और ये लास्ट के 6 लेटर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 6 लेटर थे उनको पकड़कर उल्टा लिख दिया, और उसके बाद जो लास्ट के 6 लेटर थे उनको पकड़कर उल्टा लिख दिया, तो क्या बन गया बच्चों, सब्स्टिट्यूशन। वैसे अगर हम बात करें बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लिए स्टार्टिंग के 6 लेटर जो कि कौन कौन से थे, IRTSID, और उसके बाद ब्यूशन लिया NOITUB। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? तो ये बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट के लिए कोड दिया है, टेलीफोन के लिए आपसे पूछा गया है कि टेलीफोन के लिए जो कोड आएगा वो क्या होगा। ठीक, अगेन अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट के बारे में, तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में नंबर ऑफ लेटर कितने दिए हैं बच्चों, कितने दिए गए हैं, 3 और 2 5, 5 और 4 9। ठीक है, तो वैसे अगर मैं बात करूं यहां पर इसके कोड के बारे में कि कोड जो है इसका किस तरीके से दिया गया है, देखो इसको पता करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका, आप क्या करें इसके कोड को इसके नीचे रख के देख लीजिए। ठीक, अगर आप नीचे रख के देखेंगे तो ये दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों, क्लियर, इन दोनों को बदल दिया, क्लियर, डन। मतलब सबसे पहले 2, उसके बाद 3, और उसके बाद 2 2, मतलब 4, डन है। वैसे अगर मैं बात करूं टेलीफोन में स्टार्टिंग के 2 क्या बन गया, ET, उसके बाद अगले 3 क्या बन गया, EPL, और उसके बाद OH, और उसके बाद EN। बात क्लियर है बच्चों? तो ये कोड किसके लिए आ गया, टेलीफोन के लिए। आशा करूंगा बातें समझ में आपको आई होगी। एक क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है डू गो हुई मुलजो, इसको बोल दिया जाता है वर्क इज वेरी हार्ड। आगे बोल दिया बच्चों हुई डू गो, बाकी इसको बोला गया है बिंगो इज वेरी स्मार्ट। और बच्चों आगे बोलता है नानो मुली डूगो केक इज हार्ड। आगे बोल दिया बच्चों मुल की जी यू स्मार्ट एंड हार्ड। तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि बिंगो का कोड क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों इसे हम बोलते हैं कोडिंग विद कंपैरिजन। क्या बोल देंगे बच्चों? कोडिंग विद कंपैरिजन। ठीक, इसको हिंदी में बोला जा सकता है तुलनात्मक सांकेतिक भाषा। क्या बोल देंगे? तुलनात्मक सांकेतिक भाषा, कोडिंग विद कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, देखो इसके अंदर हमें पता करना है बच्चों कि बिंगो के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा। सबसे पहले आपको बोला गया कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में डूगो हुई मुलजो के लिए दिया है वर्क इज वेरी हार्ड, या हम बोल सकते हैं वर्क इज वेरी हार्ड के लिए बोला गया है डूगो हुई मुलजो, बिंगो इज वेरी स्मार्ट के लिए बोला गया है बच्चों हुई डूगो, बाकी केक इज हार्ड के लिए बोला गया है बच्चों नानो मुल डूगो, स्मार्ट एंड हार्ड के लिए बोला गया है बच्चों मुल की जी। डन।
और इन सब के बाद आपको पता करना है बच्चों कि बिंगो के लिए जो कोड आएगा वो बिंगो के लिए कोड क्या बनेगा। ठीक, एक बार ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं अगर किसी नए बच्चे से पूछूं कि बेटा वेरी का कोड बता कि वेरी का कोड क्या होगा, तो बच्चा सोचेगा 1 2 3 वेरी आया है थर्ड प्लेस पर, और थर्ड प्लेस पर जो कोड आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों? मुल। तो बच्चा आंसर दे देगा कि वेरी के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा? मुल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड रो में, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 यहां पर भी वेरी किस पोजीशन पर दिया गया है? थर्ड पोजीशन पर। तो यहां अगर मैं थर्ड पोजीशन का कोड चेक करूं तो थर्ड पोजीशन का कोड जो दिया है बच्चों वो क्या दिया है? बा दिया गया है। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जब मैंने चेक करा तो वेरी के लिए जो कोड आया था वो क्या आया था? मुल आया था। और सेकंड रो में जब मैंने चेक करा तो वेरी के लिए जो कोड आया बच्चों वो क्या आया? बा आया। तो आप खुद से सोच के बताओ कि क्या ऐसा संभव है, क्या पॉसिबल है कि किसी एक कोड लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड का कोड जो है वो प्रत्येक रो में क्या होता रहे? चेंज होता रहे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर हम यहाँ पर ये सोच के चल रहे हैं कि जो कोड जिस वर्ड की पोजीशन पर लिखा गया है वो उसी का होगा जिसकी पोजीशन पर उसे लिखा गया है, ऐसा आवश्यक नहीं है। डाला बच्चों? तो हमें यहाँ पर पता कैसे करना है वो हम एक बार समझेंगे। हमें पता करना है बिंगो का जो कोड है वो क्या होगा। बिंगो का जो कोड है वो क्या होगा? आपको एक सिंपल सा काम करना है, जिस भी वर्ड का कोड आपको पता करना हो उसके नेबर्स का कोड अगर आप पता कर लेंगे तो जिसका आपसे पूछा गया है उसका कोड आप इजीली पता कर पाएंगे। ठीक है, बिंगो के पड़ोसी कौन है बच्चों? इज वेरी स्मार्ट। इज वेरी स्मार्ट को हम क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन का मतलब समझते हैं आप सारे बच्चे? ठीक, तो अगर मैं कॉमन ढूंढूं तो इज और वेरी जो है आपको दिखाई देगा फर्स्ट और सेकंड रो में क्या दिया गया है? कॉमन। इज और वेरी फर्स्ट और सेकंड रो में क्या है? कॉमन है। अगर इन दोनों ही रोज में दो वर्ड कॉमन है तो दो कोड भी डेफिनेटली क्या होंगे? कॉमन। दोनों में कॉमन कोड क्या है बच्चों? डू गो। और क्या है बच्चों? हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि हुई और डू गो अगर कॉमन है तो ये उन दो वर्ड्स के लिए होंगे जो इन दोनों ही रोज में क्या दे दिए गए हैं? कॉमन, जो कि कौन थे? इज और वेरी। मतलब अगर ये इज और वेरी के लिए होंगे तो ये बिंगो के लिए तो नहीं हो सकते। बात क्लियर? उसके बाद हम किसे ढूंढ लेंगे बच्चों? स्मार्ट को। स्मार्ट को अगर कॉमन ढूंढा जाए तो आप देख सकते हैं सेकंड और फोर्थ रो में स्मार्ट क्या दिया गया है बच्चों? कॉमन दिया है। तो अगर सेकंड और फोर्थ रो में स्मार्ट कॉमन दिया है तो दोनों में एक कोड भी क्या है? कॉमन है। यहां पर भी की और यहां पर भी की, तो अगर दोनों में की कॉमन है तो की किसके लिए बन गया बच्चों? स्मार्ट के लिए। और अगर ये स्मार्ट के लिए बन गया तो ये बिंगो के लिए तो नहीं हो सकता। तो क्या बचा बच्चों? बिंगो। क्या बचा बच्चों? बा। तो बिंगो के लिए जो कोड आ गया बच्चों वो क्या आया है? आपका बा। किसी को डाउट है? क्लियर है बच्चों? तो बिंगो के लिए जो कोड आ गया वो क्या आ गया? बा आ गया। ठीक है, डन। हमें सिंपल क्या करना है, जिस भी वर्ड का कोड पता करना है उसके नेबर्स का कोड पता कर लेंगे, उसके पड़ोसियों का कोड पता कर लेंगे। हमें बिंगो का पता करना था तो हमने क्या करा, बिंगो के जो पड़ोसी है उनका कोड पता कर लिया। बिंगो के पड़ोसी कौन कौन है? इज वेरी स्मार्ट। तो इन सभी को हमने क्या कर लिया, अलग अलग रोज में कॉमन ढूंढ लिया। सबसे पहले जब हमने इज और वेरी को कॉमन ढूंढा तो हमने पाया पहली और दूसरी रो में इज और वेरी क्या दिए गए हैं? कॉमन। अगर इन दोनों में इज और वेरी कॉमन, मतलब दो वर्ड्स कॉमन है, तो डेफिनेटली दो कोड भी क्या होंगे? कॉमन। तो कॉमन कोड क्या दें? हुई और डूगो। तो हुई और डूगो उनके लिए हो गए जो इन दोनों रोज में दो क्या थे? कॉमन वर्ड्स। ठीक है, क्या बचा? स्मार्ट। तो स्मार्ट को अगर मैं कॉमन ढूंढूं तो दूसरी और फोर्थ रो में क्या है? स्मार्ट। कॉमन। तो इन दोनों में एक कोड भी क्या होगा? कॉमन। तो कौन सा कॉमन है? की। तो की से की गया, क्या बचा? बा। क्या बचा? बिंगो। तो बिंगो के लिए हो गया बा। बात क्लियर पहला बच्चे? चलो बच्चों एक टाइप करेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स कोडिंग, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स कोडिंग। ठीक, एक बार देखेंगे मैट्रिक्स कोडिंग को।
ये दो मैट्रिक्स दिए बच्चों और एक क्वेश्चन दिया है फोन, और नीचे चार ऑप्शंस दे रहे हैं। ये बच्चों ठीक, ये हमें एक कोड दिया है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैट्रिक्स कोडिंग। डन, ये लगा के चले अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो है वो कंफर्म पूछा जाएगा। क्लियर? डन, एक बार देखते हैं कि कैसे इसको पता कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं मैट्रिक्स वन और मैट्रिक्स टू दी गई है। क्लियर? यहां पर मैट्रिक्स वन में 0 से 4 तक की डिजिट्स दी गई है और यहां पर 5 to 9 तक के जो नंबर्स हैं वो यूज कर लिए गए हैं, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 0 से 4 तक की डिजिट्स मैट्रिक्स वन में दी गई है तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो भी नंबर 0 से 4 तक की डिजिट्स का यूज करके बनाया जा सकता है वो आप कहाँ चेक करने वाले हैं, मैट्रिक्स वन में, और जो भी नंबर 5 to 9 तक की डिजिट्स का यूज करके बनाया जा सकता है वो आप कहाँ चेक करेंगे, मैट्रिक्स टू में। क्लियर है बच्चों? उसके बाद क्या दिए गए हैं, कुछ लेटर्स दिए गए हैं और इन लेटर्स का यूज करवाते हुए एक वर्ड बना दिया गया है, और वर्ड क्या बना दिया है, पोन्ड। और पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में से दिए गए वर्ड के लिए जो कोड बनेगा वो क्या होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो जो वर्ड दिया है उस वर्ड के लिए जो कोड दिए गए हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए गए हैं। किस फॉर्म में? न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब नंबर्स की फॉर्म में दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी हमें लेटर्स दिए गए हैं उन लेटर्स के लिए जो कोड निकल के आएंगे वो हमारे किसके अंदर निकल के आएंगे बच्चों, न्यूमेरिकल फॉर्म में। बात क्लियर? तो हम यहाँ पर ये सीख के चलेंगे कि जो भी हमें लेटर्स दिए गए हैं उन लेटर्स के लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में जो कोड बन सकता है वो हम कैसे बना सकते हैं, एक बार वो देखते हैं। क्लियर है बच्चों? देखो, सबसे पहले मान लो मैंने बात कर ली मैट्रिक्स वन के बारे में, ठीक। मैट्रिक्स वन में आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्या दिए गए हैं, लेटर्स दिए गए हैं। क्लियर? इन लेटर में से मान लो मैंने कोई भी एक लेटर उठा लिया, आप देख सकते हैं मान लो मैंने सी उठा लिया, ठीक। अब मुझे पता करना है कि C के लिए जो कोड बनेगा, C के लिए कोड जो है वो क्या आ सकता है। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स वन के अंदर जो C है उसका डिफरेंट टाइप यूज करा गया है। क्लियर? अगर C का एक से ज्यादा बार यूज करा गया है इसका मतलब क्या हो गया कि C के जो कोड होंगे वो भी क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे। बात क्लियर है बच्चों? C के जो कोड होंगे वो भी क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे। अब किसी भी लेटर का कोड पता करने के लिए हमें एक सिंपल सा काम सीखना है कि जो भी लेटर दिया गया है उसके एग्जैक्टली सामने जो रो दी गई है उसके अंदर हम चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर लिखा गया है, क्या लिखा गया बच्चों, और उसके एग्जैक्टली सामने जो कॉलम दिया गया है उसमें हम चेक कर लेंगे कौन सा नंबर दिया गया है, तो मिलकर क्या बन गया, 21। तो इस सी के लिए जो कोड आ गया बच्चों वो क्या आ गया, 21। मतलब सबसे पहले क्या लेना है, रो, और उसके बाद क्या लेना है बच्चों, कॉलम। बात क्लियर? वैसे अगर मैं बात करूं मान लो इस सी के बारे में, एग्जैक्टली सामने रो है कितना है, कॉलम है कितना है, वैसे अगर मान लो मैं इस सी के बारे में बात करूं तो एग्जैक्टली सामने कितना है, एग्जैक्टली सामने कितना है, तो क्या बन गया बच्चों, कोई डाउट है किसी बच्चे को, सब ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं एक बार पॉन्ड, पॉन्ड में नंबर ऑफ लेटर कितने बच्चों, 4 है, और आप देख सकते हैं हर ऑप्शन में कितने कितने कोड दिए गए हैं, 4-4 कोड दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक लेटर के लिए एक डिफरेंट क्या बनेगा, कोड बनेगा। बात क्लियर? अगर मैं बारी बारी से हर ऑप्शन को चेक करूं तो जो टाइम लगेगा वो काफी ज्यादा लग जाएगा। क्लियर? तो बजाय मैं पूरे क्वेश्चन के ऊपर काम करने के, इस क्वेश्चन के अंदर क्या लगा दूंगा बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब मैं उसे ढूंढूंगा जो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, और ऐसा करने के लिए मैं दिए गए ऑप्शंस का जो लास्ट कोड होगा उसके ऊपर काम करने वाला हूं। डन। सबसे पहले पॉन्ड का लास्ट लेटर क्या है बच्चों, पॉन्ड का लास्ट लेटर क्या है, डी। तो मुझे चेक करना है कि डी के लिए दिए गए ऑप्शन में से क्या कोड बन सकता है। सबसे पहले क्या दिया बच्चों, 22। 22 कहां मिलेगा, मैट्रिक्स वन में या मैट्रिक्स टू में, और सबसे पहले हमें क्या लेना है, रो, और उसके बाद क्या लेना है बच्चों, जहां पर ये दोनों मिल गए वहां पर कौन आया, क्या आया, कोई दिक्कत? देखो,
तो क्या पहला ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर बन सकता है? रीजन, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? डी चाहिए था, लेकिन मुझे क्या मिला 22 से? ई. तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं बन सकता. बात क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम काम करेंगे 32 पर. 32 कहां मिलेगा? मैट्रिक्स 1 में. तो सबसे पहले आपको क्या लेना है और उसके बाद क्या लेना है? कॉलम. जहां दोनों मिले वहां पर कौन आया? और मुझे क्या चाहिए था? डी ही चाहिए था. इसका मतलब शायद ये आंसर हो सकता है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं. कंफर्म क्यों नहीं हूं बच्चों? क्योंकि बाकी के जो कोड है उनके लिए मैंने बाकी के जो लेटर्स हैं वो चेक नहीं करे. बात क्लियर है बच्चों? मैं आगे की तरफ काम करूंगा. आगे की तरफ क्या दिया है? 11. 11 कहां मिलेगा बच्चों? मैट्रिक्स 1 में. तो सबसे पहले हमने क्या लिया? रो. और उसके बाद हमने क्या लिया बच्चों? कॉलम. जहां दोनों मिल गए वहां कौन आया? मतलब शायद ये भी क्या हो सकता है आपका आंसर. वैसे अगर मैं बात करूं 42 के बारे में, तो 42 कहां मिलेगा? मैट्रिक्स 1 में. और सबसे पहले आपको क्या लेना है? रो. रो में कितना दिया है? 4. कॉलम में कितना दिया गया है? 2. जहां दोनों मिल गए वहां पर कौन आया? और मुझे क्या चाहिए था? क्या ये आंसर हो सकता है क्या? तो आंसर या तो होगा मेरा बी और या तो होगा मेरा सी. और दोनों के जो लास्ट कोड है वो कौन सा लेटर दे रहे हैं? डी. बात क्लियर? तो मैं किसके ऊपर काम करूंगा? पहले लेटर के ऊपर. डन. पहला लेटर क्या है बच्चों? पी के लिए मुझे क्या चेक करना है? 57. 57 कहां मिलेगा? मैट्रिक्स 1 में या मैट्रिक्स 2 में? तो ये रहा 5, ये रहा 7. जहां पर दोनों मिले वहां कौन आया? मुझे क्या चाहिए था? तो क्या ये आंसर बन सकता है? तो आंसर क्या बन गया? सी ऑप्शन. कोई डाउट है बच्चों? क्लियर? देखो भाई, अगली जो हमारी टाइप है वो है कोडिंग विद अल्फाबेटिकल नंबर्स. कोडिंग विद अल्फाबेटिकल नंबर्स, ठीक है? इसके बारे में हम बात करेंगे, कोडिंग विद अल्फाबेटिकल नंबर्स, और समझेंगे क्वेश्चन किस तरीके से इसके अप्रोच करे जा सकते हैं. क्लियर? देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं ना अल्फाबेटिकल नंबर्स के बारे में, मतलब हम क्या कह रहे हैं? अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स का यूज. अल्फाबेट्स के साथ नंबर का यूज कैसे करा जा सकता है? उनकी पोजिशन है, ठीक. और पोजिशन के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चों, तो पोजिशन के बारे में आपको बताया हुआ है कि पोजिशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है. एक तो होता है सीक्वेंस में. सीक्वेंस का मतलब ए को बोला जाए 1, बी को बोला जाए 2, सी को बोला जाए 3, डी को बोला जाए 4. ये क्या हो गया बच्चों? आपका सीक्वेंस. और एक होता है बच्चों आपका रिवर्स ऑर्डर में. रिवर्स ऑर्डर में मतलब जेड को बोल दिया जाए 1 और ए को बोल दिया जाए 26. और आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि किसी भी लेटर की रिवर्स पोजिशन पता करने के लिए हम उस लेटर की पोजीशन को किस में से माइनस कर देते हैं? 27 में से. बात क्लियर है बच्चों? डन. तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में इस टाइप से पूछे जाएंगे. एक क्वेश्चन जैसे कि हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे असाइनमेंट में बोला गया है कि यदि डी को बोल दिया जाए 4, कवर को बोल दिया जाए बच्चों 63, तो आपसे पूछा गया है बेसिस के लिए क्या होगा. बेसिस के लिए आपसे कोड पूछा गया है बच्चों. अरे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक. तो बेसिस के लिए कोड पूछा गया बच्चों, बेसिस के लिए क्या कोड आएगा? डन. तो एक सिंपल सी बात यहां समझने की है कि अगर डी के लिए 4 दिया है तो इसका मतलब डी की पोजीशन क्या होती है बच्चों? 4. लेकिन कवर के लिए 63 कैसे? आप जानते हैं कवर के अंदर जो भी लेटर दिए गए, सी ओ वी ई आर, अगर मैं बात करूं सी ओ वी ई आर, इन सब की पोजीशन को अगर ले लिया जाए तो ये बन जाते हैं आपके 22, 5, 18. और इन सब का जो सम होगा बच्चों वो कितना आ जाएगा? 63. वैसे अगर मैं बात करूं बेसिस के बारे में तो ये बन जाता है 2, 1, 19, 9, 19. बात क्लियर है बच्चों? इन सब को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल कितना बन गया बच्चों? 50. तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 50. क्लियर? काफी ईजी क्वेश्चन था, है ना? काफी ईजी क्वेश्चन था, लेकिन हर क्वेश्चन इतना ही इजी होगा ऐसा आवश्यक नहीं है. क्लियर? हर क्वेश्चन इतना ही इजी होगा ऐसा आवश्यक नहीं. जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं बच्चों, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको दे रहा हूं, कि अगर बोल दिया जाए कैट को 57, क्या बोल दिया जाए? तो बच्चों जेब्रा को क्या बोलेंगे?
ठीक है, डन। ऑप्शंस लिख देता हूँ 90, 87, 83, 92। ठीक है बच्चों, ए को बोला जाए 1, बी को बोला जाए 3, तो होटल के लिए क्या होगा? ऑप्शंस है 90, 85, 115, 120। क्लियर है बच्चों? वैसे ही एक क्वेश्चन बोला गया है कि अगर डी को बोल दिया जाए 4, रेड को बोल दिया जाए 9, तो लैम्ब के लिए क्या बनेगा? ऑप्शंस है 7, 8, 6, 5। ठीक है, वैसे बच्चों एक क्वेश्चन और बोल दिया कि अगर मिल्क को बोल दिया जाए 110, तो जूस के लिए क्या बन जाएगा? ऑप्शंस है 121, 22, 24, 25। वैसे ही क्वेश्चन बोल दिया बच्चों कि अगर दिल्ली को बोल दिया जाए 168, गोवा को बोल दिया जाए 101, मणिपुर को बोल दिया जाए क्या? पहले ऑप्शंस है 271, 272, 273 और 274। क्लियर है बच्चों? वैसे ही बच्चों एक क्वेश्चन और बोल दिया कि अगर फ्लावर को कहा जाए 36, सनफ्लावर को कहा जाए 81, तो बच्चों पूछा गया फॉलोज के लिए क्या कोड होगा? ऑप्शंस है बच्चों 42, 49, 63, 36। ये है आपके ऑप्शंस। वैसे ही बच्चों आपको क्वेश्चन बोला गया -5, तो मद्रास को क्या बोल देंगे? ऑप्शन है 5, 7, -1, -2। वैसे ही बच्चों एक क्वेश्चन और बोला गया, हिम को बोला जाए 10 के लिए क्या होगा? ऑप्शंस हैं 12, 16, 14, 19। ऐसे बच्चों एक क्वेश्चन बोल दिया, इफ लव कोडेड एज 27, तो कम के लिए यहां कैट के लिए 57। किसी का आंसर आया इसका? 83। कैसे भाई? ऑपोजिट पोजीशन लेकर, है ना, ऑपोजिट पोजीशन, सी ए टी कैट, सी की ऑपोजिट पोजीशन अगर मैं देखूंगा तो सी की पोजीशन होती है 3। 3 को अगर मैं 27 में से माइनस कर दूं कितना आया? 24, 26 कितना आया? 7। सबका टोटल कितना हो गया बच्चों? 57। क्लियर? वैसे अगर मैं बात करूं जेब्रा के बारे में तो जेड की रिवर्स पोजीशन क्या होती है? 1। ई की रिवर्स पोजीशन क्या होगी? 22। बी की रिवर्स पोजीशन होगी 25। आर की रिवर्स पोजीशन 9 और ये हो गया 26। सबका सम कितना हो गया बच्चों? 83। बात क्लियर? बढ़ जाओ आगे। ए के लिए 1, बी के लिए 3, होटल के लिए क्या आएगा? ठीक है बच्चों, देखो क्या करा गया, जो भी लेटर है ना, जैसे ए है, ए की पोजीशन कितनी होती है? 1। इसकी पोजीशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 2। और जितना भी आया उसमें से -1 कर दो। मतलब जो भी लेटर दिया है उस लेटर की पोजीशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से क्या कर दीजिए? -1 कर दीजिए। बात क्लियर? जैसे अगर मैं बात करूं बी की पोजीशन होती है 2, 2 इंटू 2 करने पर कितना आया? 4, -1, 3। बात क्लियर? तो वैसे अगर मैं बात करूं होटल के बारे में तो होटल में क्या होगा? एच, एच की पोजीशन होती है 8 इंटू 2, 16, -1, 15 हो गया। वैसे ही ओ की पोजीशन 15 इंटू 2, 30, -1, 29 हो गया। टी की पोजीशन 20 इंटू 2, 40, -1, 39 हो गया। ई की पोजीशन 5 इंटू 2, 10, -1, 9 हो गया। एल की पोजीशन 12 इंटू 2, 24, -1,
23 इंटू 2 माइनस 1, बात क्लियर? तो सबका टोटल आ जाएगा 115, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ू, डी के लिए 4 दिया है, रेड के लिए 9 दिया है, तो लैम के लिए क्या आएगा? देखो ध्यान से देखो, डी के लिए 4 इसका मतलब पोजीशन है, लेकिन लैम के लिए 9 कैसे? ध्यान से देखना, लैम में अगर आप देखेंगे ध्यान से, रेड के लिए 9 कैसे आया? आर की पोजीशन 18, ई की पोजीशन 5, इन सब का सम कितना हो गया बच्चों? 27 हो गया, ठीक, कितना आया? और रेड में नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9, क्लियर? वैसे ही लैम के बारे में अगर हम बात करें तो लैम में ये है 12, 1, 13, 2, इन सब का सम आ गया बच्चों, कितना आया? 28 को किससे डिवाइड करोगे? तो 4, 7 जा, किसी को डाउट? बात क्लियर? तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 7। बढ़े आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये मिल्क किसी का हुआ क्या? कितना आंसर आया? 125, बहुत बढ़िया। चलो एक बार देखते हैं बच्चों कैसे समझना। देखो मिल्क में एम आई एल के, ठीक है, एम की पोजीशन कितनी होती है बच्चों? 13। आई की पोजीशन कितनी होती है बच्चों? 9। एल की पोजीशन होती है 12 और के की पोजीशन होती है 11, है ना? 3 और 1 4, 9 का 2 और 1 1 और 1, मतलब जो डबल डिजिट का नंबर है, दो अंकों की संख्या को सबसे पहले आप क्या बना लो? एक अंकों की संख्या, मतलब 1 डिजिट का बना लो। और कैसे बनाओगे? उन दोनों को ऐड करके। डन, अब क्या करो बच्चों? इनका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, सबको टोटल करो, 81 और 9 90, 90 और 4 94 और 16 110, बात क्लियर? तो जूस का मुझे पता करना है। जूस का अगर मैं पता करूं तो जूस में कैसे पता लगेगा वो देख लीजिए। जूस में जे की पोजीशन 10, यू की पोजीशन 21, 9, 3, 5, 1 और 0 1 2 और 1 3, 9 का 9 3 का 3, 5 का 5, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इन सबको ऐड कर दोगे तो आएगा 125। बात क्लियर है बच्चों? बात क्लियर? डन है? दिल्ली 168, गोवा 101, मणिपुर क्या? क्या आंसर आया अभिषेक? 274, ठीक, लेकिन कैसे वो एक बार समझ लो। देखो बच्चों, यहां पर है ना एक कंसेप्ट लगाया गया है जिसे हम बोलते हैं किसी भी लेटर की सेकेंड पोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? किसी भी लेटर की सेकेंड पोजिशन। किसी भी लेटर की सेकेंड पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जो भी लेटर दिया है उस लेटर की पोजीशन में अगर आप 26 ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे? 26 ऐड कर देंगे तो उस लेटर की क्या आ जाएगी बच्चों? पोजीशन आ जाएगी। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ दिल्ली, दिल्ली में अगर बात करी जाए डी ई एल एच आई, डी की पोजीशन 4, 5, 12, 8, 9, मुझे पता है सभी में मुझे क्या ऐड करना है? 26 ऐड करना है। तो 26 क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। बात क्लियर है बच्चों? तो 26 ऐड जब हमने कर दिया तो 26 और 4 कितना हो गया? 30। 26 और 5 कितना हो गया बच्चों? 31। 26 और 12 कितना हो गया बच्चों? 42। 26 और 8 कितना हो गया बच्चों? 34। 26 और 9 कितना हो गया बच्चों? 35। तो इन सब का टोटल कर दो 38, ठीक है। 5, 4, 9, 9, 8, 17 और 1, 18, 3, 5, 15, 168, बात क्लियर? कोई डाउट है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा बच्चों आपका 274, क्लियर? ये जो क्वेश्चंस है ये आप खुद से करके लाएंगे, ठीक है, अगली क्लास में हम मिलेंगे और इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों? थैंक यू।